बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह करे आप सब जहाँ पे भी हों खुश हों, आबाद हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, आमीन। तो अम्मी जान हमारे साथ हैं और अम्मी जान से सलाम दुआ करते हैं, अम्मी जान से पूछते हैं कि आज अम्मी जान हमारे लिए कौन सी मज़े की सीजन की रेसिपी लेके आई हैं। तो हाँ जी अम्मी जी, असलामुअलैकुम सारे भैन भ्राओं बच्चों प्यार मोहब्बत सारे खैर मेरे अल्लाह तला खुशियां नसीबा रब करे। आओ आमीन। तुम मैं बखावा मैं की बना लगी हाँ चले जी, आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो मौसम है हम सिंगाड़िया का, जी। ये सिंगाड़े तो मैं दसा कि किस तरह बना रहे ने ते इन बहुत ज्यादा फायदे ने, तुम खाओ ते फिर हम तक बना के दस रहे किस तरह बनते हैं। और इसके इतने फायदे हैं, आपको पता है कि लोग इसको बॉईल करके, इसको ग्राइंड करके, इसका पाउडर बना के रख लेते हैं और पूरा साल एक गिलास दूध के अंदर एक चम्मच डाल के इसका पाउडर यूज़ करते हैं। हड्डियों के लिए ये बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आजकल इसका सीज़न है, तो सीज़न में खूब आप ये संगाड़े वगैरह लेके आए और इसको बॉयल करें। और इसको बॉयल करने का तरीका अम्मी जान आपको बताएंगी कि इसको बॉयल आपने कैसे करना है। तो चलें जी अम्मी जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, जोरदार खड़ाक हो गए। ये बड़ा चीज ही ऐसी है माशाल्लाह। अच्छा तुसी अम्मी, जरा इनको वॉश करने का जरा तरीका बता दें। अच्छा अम्मी जी, दसो कि इनू जरा धोन का तरीका है वो की है। बेटा तो होता है पानी च पाओ या थोड़ी भिजे रहने दो, फिर चंगी तरह मल मल के ना धोवो, पानी कटिया धोइए बिल्कुल साफ हो जाए पानी धो के। हाँ यानी कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैल, कीचड़, गंदगी टाइप चीजें होती है, ठीक है लेयर जी जमी जी। हुई एक लेसदार इसके ऊपर मादा होता है, वो आपने अच्छी अरे तरह से वॉश करना है कितने साफ ने जी। अम्मी ये सारे किसने साफ करके दिए धो के? बेबी ने ये तो रंग रूप को नहीं पाना, कई हाँ लोग रंग पा लेते रंग आखरा वो आखरा काला लगता है, देखो जी ना कितना खूबसूरत रंग अपना ही है जी जी ना। इन सिर्फ पानी नहीं बहुत पाना, थोड़ा ही पानी पाना है एक आध ये तो। गिलास हाँ ये सब लोग कहते स्टीम ते पकाना है, स्टीम ते, ठीक स्टीम है ते। हाँ जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें अम्मी जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखो ना बस इन्हें को पानी पाना है। ये आधे गिलास से थोड़ा सा पानी ज्यादा था, हाँ ठीक है। ज्यादा एयर मार दे और मार लेने दम दे ये तो रहा। पहले 5 मिनट आपने इसके अंदर इसको ना थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकने देना है ताकि इसके अंदर स्टीम पैदा हो जाए, और फिर उसके बाद आपने इसका फ्लेम कर देना है स्लो ताकि ये फिर स्टीम में आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे, जिस तरह से वो बिरयानी को दम लगाते हैं ना उस तरह से। बिरयानी तो 15 मिनट होनी ना ये ज्यादा होता है। हाँ अम्मी, कितनी देर? 25 मिनट, हाँ 15 मिनट 25-30 मिनट जी आपने पच्ची इसको। मिनट दम दे के इस तरह तुझे वेख लेना जी है कि सही पक गए ना, हल्का वाले छिटा लाना बाहर जी चलें बस। जी, अब वेट करते हैं और आपने हमारे साथ ही रहना है, आपने कहीं नहीं जाना। तो फिर देखते हैं 25 मिनट के बाद एग्जैक्ट के जो हमारे सिंगाड़े हैं उनकी क्या पोजीशन है। माशाल्लाह बड़ा सोहना रंग होता है, काला रंग ना खास करके पाना, मतलब कई उबाला लगे काला रंग पा देते हैं इसके फिर अंदर उन्होंने लोग, पानी में ही पाना। हाँ, कोई कलर, लिक्विड कलर या पाउडर कलर इसमें शामिल कर देते हैं, उसकी कतई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। इनका अपना नेचुरल कलर ही बहुत अच्छा और बहुत डार्क है, तो ये चेक करें आप, ठीक है। इतना आपने पहले स्टीम रखना है, यानी कि फ्लेम रखना है। तो 5 मिनट के बाद जब आप देखें कि इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो गई है, तो फिर आप इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर दें। हाँ जी अम्मी जी, बेटा ये अपने सिंगाड़े हो ना पक गए ने ठीक है। अम्मी कितनी देर तकरीबन लगाया है? 50 मिनट 50 मिनट इसे स्टीम किया है अम्मी जान ने, ठीक है। और अब इसका ढक्कन चूल्हा फिर से हटाएंगे। बंद। अब देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शक्ल बता रही है कि ये गल कितने सोने उबल गए ने,
माशाल्लाह जी अम्मी जान आपने तो कमाल कर दिया, वाह वो लग रहा है जैसे बड़ा गोश्त बीफ बॉईल किया हुआ है। चले जी निकालने बाहर। हाँ हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं गरम गरम छील लें या थोड़ा सा ठंडा करने के बाद? थोड़े ठंडे ओके। बस गाड़ी वाले ये कार बना के खाएंगे। बाजार के तो वैसे ही नहीं खाने चाहिए, पता नहीं कैसे बॉयल किए होते हैं और तो नहीं क्यों। हाँ वही ना। अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर इसको छीलेंगे। ये देखें जी यहाँ पे सिंघाड़े हमने निकाल लिए, अब ये हो गए ठंडे, अम्मी जान इनको छीलेंगी। चलें जी अम्मी जी। बोलो वाह जी वाह, अम्मी ने तो कमाल ही कर दिया है। अम्मी ने तो ऐसा कमाल किया है ना सिंगाड़े छीलने वाला। अम्मी तुसी हुन बैठो ठीक है, फाइनल लुक वास्ते मैं करती हूँ। चले जी अम्मी जान को बिठाते हैं और फाइनल लुक के लिए आपको थोड़े से सिंघाड़े छील के मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे निकले हैं। अम्मी जी अंदर से बहुत ही मजेदार निकले हैं। अम्मी आयो ले माशाल्लाह अपने सिंघाड़े हो गए ने तैयार। ते हुण उत्ते पाउणे आ हरिया दे धनिया, सोहना लगता है, खुशबू भी आती है। जी चाट मसाला बिस्मिल्लाह खाओ ते मजे करो। वाह चलें जी अब आएगा लेमन जूस बिस्मिल्लाह, इन्हें ना तो मजा आता है। हाँ जी अम्मी जी बेटा ये तैयार हो गए ने। हाँ हाँ होने दे खाओ तो मजा लो बस। अच्छा तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त जो सिंघाड़ा प्लेटर है वो अम्मी जान ने तैयार कर दिया है। ठीक है तो चलें जी बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अम्मी जी अब इजाजत लें सबसे। हाँ जी चलें जी, बहुत सा आप लोगों के लिए प्यार, बहुत सारी दुआएं, खुश रहिए हैप्पी रहिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।